का है? खाना वाना नहीं खाती हो? ढंग से मालिश करना भी नहीं आता है। चलो ठीक से करो। चलो अब हाथ दबाओ। हाँ कंधे बहुत दर्द हो रहे हैं, जरा जोर से। हाँ कंधे यहाँ। बहुरानी हमसे तो चतुराई करो मत। तुम अगर अपने आप को शेर समझती हो ना, तो हम बब्बर शेर हैं। अब तुमको कैसे निकल जाएंगे पता ही नहीं चलेगा तुमको। और हाँ उससे पहले अपना ये फोन बंद कर दो, कब से घुरघुरा रहा है। अब उठाओ उसको और जल्दी जल्दी बात करो और खत्म करो। पहले ही हमारा सर बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, अब भी तो शांति मिला था थोड़ा। हम तेरी मम्मी बोल रहे हैं। परी हमारी हमारे ना मम्मी भी ना अभी करना था इनको फोन। हो गया। हाँ परी ये फोन काहे काटती है? आखा जमाना आ गया है, बताओ हमारी मुश्किल की घड़ी में भी हमारे बच्चे हमारा साथ नहीं देते, अब हम का करें कहाँ जाए। देखो प्रभु कि तुम अच्छा नहीं कर रहे हो, हम दोनों इतने बुरे भी नहीं है, कोई तो रास्ता दिखाओ। अम्मा से कोई उम्मीद ही नहीं, तो परिया फोन नहीं उठा रही और हम इतना नहीं कहा। अरे बहन जी हमारा मोबाइल दीजिए। अरे हम किसके पास जाए? ओ बहन जी हमारा मोबाइल दीजिए, ये लो आपका मोबाइल चार्ज हो गया। अरे हमारे बच्चे की जान मुश्किल में, तुम्हें अपने सड़े हुए मोबाइल की पड़ी है, ये पकड़ो जाओ यहाँ से। घर में तो चिल्लर के अलावा कुछ मिलने वाला नहीं है, अम्मा कोनो मदद करेंगी नहीं, पर ही फोन पे बात ही नहीं कर रही। हमारे अमित को कुछ तो आज हमें अपने बेटे के लिए ये सॉन्ग भी रचना पड़ेगा। जाओ किचन में जाओ और हमारे लिए संतरे का जूस लेकर आओ। और सुनो एक एक संतरे का जूस अपने हाथ से निकालना, और गलती से एक भी बीज आ गया ना तो सुबह नाश्ते में कटोरी भर बीज खिलाएंगे। और सुनो डब्बे का जूस नहीं चाहिए, तुम्हारे प्यारे प्यारे कोमल कोमल हाथों से निकला जूस। हाँ। निम्मी भैया के साथ जो कुछ भी हो रहा है ना सब देख के कुछ अच्छा सा नहीं लग रहा है, मतलब नहीं होना चाहिए। हाँ दी मैंने तो कितने बार भैया को बोला कि दादी की सारी सच्चाई ना भाभी को बता देते, पर भैया सुनते ही नहीं है मेरी। मेरा मतलब है कि भैया भाभी के बीच में झगड़ा देखकर बहुत बुरा लगता है। हाँ दी अच्छा तो मुझे भी नहीं लग रहा है दी, मैंने तो क्या क्या सोचा था कि हमारी जो भी भाभी होगी वो भाभी कम और फ्रेंड ज्यादा होगी, और मैं चाहती थी कि जो भी हमारी भाभी हो उनसे हम सारी बातें शेयर करें, और जब भी हम कोई प्रॉब्लम में हो तो वो हमारी हेल्प करें। लेकिन जैसे मम्मी कहती थी कि तुझे तो बहुत लगता है, इस केस में मुझे भी लग रहा है कि मुझे बहुत लगता है। निम्मी मैं यहाँ भैया भाभी की बात कर रही हूँ और तू एक अपनी गाथा गाई जा रही है।
ये कहने का मतलब है कि काश भैया भाभी की केमिस्ट्री ना ऐसी होती जैसे माँ पापा की है तो कितना अच्छा लगता ना। हाँ काश ऐसा होता कि सच में मैं भी चाहती हूँ। ऐसे पापा भी कभी कभी गुस्सा होते हैं लेकिन मम्मी का मूड स्विंग भी अच्छे से संभाल लेते हैं। लेकिन इस बार नहीं संभाल पाएंगे। क्यों? क्योंकि इस बार पापा लाइफ में पहली बार अपनी एनिवर्सरी के दिन माँ के साथ नहीं है और वो भी 25th एनिवर्सरी। काश हम उन्हें गिफ्ट दे पाते। पर निम्मी कुछ तो करना पड़ेगा ना, ऐसे कैसे चलेगा? देखते हैं जो होगा वो कर लेंगे। जो होगा वो कर लेंगे मतलब क्या? एफर्ट्स डालने पड़ते हैं, कुछ करना पड़ता है। कर लेंगे, आप क्यों सोचते? चलो। अब पता नहीं कौन सी परेशानी आने वाली है सरला पर। ये हमारी बिटिया तो हमेशा परेशानियों से घिरी रहती है। देखिए देखिए पंचांग में देखिए कुनविपता तो नहीं आई है हमारे बच्चों पे। और बड़ा दिल घबरा रहा है। अब देखिए अभी बहुत बड़ा अपशगुन हो गया ना। दो दो थालियां गिर गई, आरती से भरी और दिए से भरी थाली दोनों गिर गई। हमारा जिया तो फक्का रहा है। ऐसी कोई बात तो नजर नहीं आ रही इसमें? नहीं। हाँ नहीं नहीं नहीं। और ये बच्चों पे भी कोई संकट नहीं है? अच्छा अच्छा है। रे 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 रे। लेकिन ये बहुत बड़ी विपत्ति आप पे आने वाली है। हम पे? हाँ। हे भगवान, आप महामृत्युंजय जब शुरू कर दीजिए हमारे लाने और भगवान हमारी रक्षा करना। कुछ होने मत देना। हाँ जी हम तो जाप कर ही देंगे लेकिन ये देखिए हम गंगोत्री से बड़ी सिद्ध माला लेके आए। इसका आप भी जो है ना 121 बार रोज जाप करिए, सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी। चिंता मत करिए। हाँ करेंगे। गंगोत्री हुआ है? हाँ हाँ। हमें भी जाना है, सोच रहे बुढ़ापा जब आएगा तो हो आएंगे। अभी देखिए जैसा मैं बोलता हूँ वैसे आप बोलिएगा। क्या हुआ तुझे? डिस्टर्ब्ड क्यों लग रही है? अरे ये मुंह लटकाने का टाइम नहीं है यार, इस बार पूरे 3 दिन की छुट्टी मिली है। छुट्टी तेरे लिए, मेरे लिए नहीं है। मुझे उन 3 दिन भी काम करना है और वो भी थैंकलेस काम। क्या बोल रही है यार? सुना इस बार छुट्टियों में कहीं घूमने चलते हैं। तू जाना वंटी में कैसे जा सकती हूँ? मेरा जाना इम्पॉसिबल है। अरे हाँ मैं तो भूल ही गई, तेरी तो शादी हो गई है, अब तेरा जाना तो इम्पॉसिबल है। हाँ हाँ जानती हूँ मेरी शादी हो गई, बार बार याद दिलाने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी इस बार शादी के बाद मेरी पहली दिवाली, लेकिन मुझे कोई एक्साइटमेंट नहीं है क्योंकि पटाखे तो रोज हमारे घर में फूटते हैं। क्यों? क्यों का आंसर नहीं है मेरे पास, मत पूछ। आंटी यार देख देख मैं कंप्लेन नहीं कर रही हूँ तुझसे, सिर्फ शेयर कर रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि घर पे सब लोग वेट कर रहे होते कि कब मैं कोई गलती करूं और मुझे आके सुनाना शुरू कर दे। हर बात पे डांट पड़ती है यार। ऐसा कुछ नहीं होता रिया, देख थोड़ा टाइम लगता है सेटल होने में यार। और सुन मेरे पास ना इसके लिए भी एक बहुत अच्छा आइडिया है, तू सब लोगों को ना गिफ्ट देना शुरू कर दे। अब यार रिलेशन में भी थोड़ा ब्राइट तो करना पड़ता है ना। तेरा सारी है हाँ। तो तू फुल फैमिली के लिए कोई अच्छा सा गिफ्ट ले ले, जैसे मैं ले रही हूँ कूलर। कूलर? बंटी ठंडी के मौसम में कौन कूलर लेता है यार, ऑफ सीजन है तो सस्ता मिल रहा है, बिग सेविंग्स समझी। और मैंने तुझे भी तो वॉशिंग मशीन का आइडिया दिया था ना। हाँ वैसे तेरा वो आइडिया तो बहुत अच्छा था, बस अब EMI पे कहीं मिल जाए ना वॉशिंग मशीन। अरे मिल जाएगी यार, और देख उससे तेरा सुबह का प्रॉब्लम सॉल्व, तेरा टाइम सेव और तेरे ससुराल वाले भी हैप्पी। क्या ब्राइब यार,
मुझे तो वॉशिंग मशीन के नाम से ही डर लग रहा है। लास्ट टाइम इंश्योरेंस दिया था तो सबने मिलके मुझे बहुत डांटा था, इस बार वॉशिंग मशीन दे दी और जिसे डांट पड़ गई तो। यार रिया तू ऐसे मत बोल, वरना मेरा तो शादी पर से विश्वास ही उठ जाएगा और फिर मुझे तो सन्यासी लेना पड़ेगा। सच बात बताओ तू ले सन्यास? रिया मुझे इतना प्यार करने वाला हस्बैंड मिला यार, तू ऐसी बातें क्यों करती है? देख तू अपनी तरफ से थोड़ा ट्राई करेगी ना तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। करती हूँ फिर से ट्राई। हेलो रिया, रिया आई एम सॉरी, मेरा काम में मन नहीं लग रहा है, काफी देर से सोच रहा हूं कि तुमसे बात कैसे करूं मैं। देखो रिया मैं सिर्फ एक चीज चाहता हूं कि मेरी माँ हमेशा जिंदगी में खुश रहे, उन्हें तकलीफ में नहीं देखूं मैं। और आज जब सुबह मैंने उन्हें बीमारी में कपड़े धोते हुए देखा तो मुझसे रहा नहीं गया, मुझे गुस्सा आ गया। और गुस्सा तुम पे या किसी और पे नहीं था, मुझे मुझे गुस्सा खुद पे था। मैं बहुत छोटी थी जब मेरी मम्मी मुझे छोड़ के चली गई थी, इसलिए बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ कि तुम क्या कह रहे हो। लेकिन मेरी सिचुएशन को कभी समझने की कोशिश की है तुमने? तुम ठीक कह रही हो, मुझे भी तुम्हारी सिचुएशन समझने की कोशिश करनी चाहिए। चलो ठीक है, मैं फील्ड वर्क पे था, अभी यहाँ से काम खत्म करता हूँ और तुम्हारे पास आता हूँ, फिर साथ में घर चलते हैं। ओके बाय। ओके बाय। हे अजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम पुरवारुकमी। क्या हो गया रघुवर सरला को है, दोनों फोन नहीं उठा रहे भगवान, और बच्चों के साथ हमारा कनेक्शन एकदम मजबूत रखना। नहीं लग रहा फोन। ठीक है रघुवा रुकमी विबंधना। रघुवा क्या है हा? ब्लड प्रेशर ही बढ़ा दिया तूने हमारा, कब से फोन लगा रहे? हाँ हाँ हम ठीक है, कैसे तेरा सब कैसे चल रहा है? तू तो ट्रेन में जाता है तो हमें भूल ही जाता है। पता है रेडी नहीं का हुआ, घर में अपशगुन हो गया, आरती की थाली गिर गई तो हम थोड़े परेशान हो गए तुम्हारे और सरला के लाने तो। हाँ हाँ पर वो है ना, तू देख अगर मिल सके उसे, वो हरिद्वार गई है। हाँ सुन, परसों तुम्हारी सालगिरह है ना शादी की, बहुत बहुत बधाई है। ओ कुसिया को हम भेजने वाले थे ना दो दिन तुम्हारे पास है, पर का है कि उसकी तबीयत खराब हो गई है, बीमार पड़ गई है, अब कैसे आएगी वो? हाँ वही हम सोच रहे थे, जाने दे आके फिर मना लेना है। हाँ देख ये भी तुम्हें कह रही है, सामने सामने ही खड़ी है, तुम्हें शादी की सालगिरह की बधाइयां दे रही है। हैं बात करोगे? हैं हेलो लग गया। प्लेटफॉर्म से छूट गई होगी ट्रेन, वो बोलता है ना ट्रेन छूट जाती है तो कनेक्शन भी छूट जाता है। अच्छा नहीं जब आएगा तो बात कर लेना। जी जी सरला को भी हम फोन लगा। मुझे नहीं लग रहा, क्या करें भाभी? हाँ वो मम्मी और भैया कहाँ रह गए? ओह कह के तो गए थे कि हरिद्वार जा रहे थे, पर हम अब हमको भी ऐसा लग रहा है कि अभी तक आए कहाँ नहीं, फोन लगाते हैं। और पापा? अरे वो तो सुबह सुबह कहीं निकल गए, टिफिन लेके गए हैं, पता नहीं कहाँ चले गए हैं। भाभी अब भैया को फोन कर कर पूछो ना कि वो कहाँ रह गए, उनका फोन ही नहीं लग रहा। अरे सोनल हम बहुत देर से उनका ही फोन लगा रहे हैं, लग ही नहीं रहे फोन, क्या करें? सोनल बच्चा तुम परेशान ना हो, हम है ना हम यहाँ सब देख लेंगे, तुम जाके पढ़ाई करो। हाँ नहीं परेशान ना हो। हाँ मम्मी जी और अमित जी अपनी नौटंकी में लगे हुए हैं,
और पापा जी ना जाने सुबह सुबह कहाँ चले जाते हैं, कहाँ करें, हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भाभी जी को फोन करेगा। हाँ रानिया, अरे बेटा जीजी कहाँ है, फोन वोन आया था उनका? हम कब से परेशान हो रहे हैं यहाँ, अम्मा जी भी आती हो गई है परेशानी में। अरे मामी जी हम भी तो बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं। नहीं 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 तुम परेशान मत हो बेटा, कहा है ना वो रास्ते में होगी, इसलिए फोन का वो कनेक्शन नहीं लग रहा है। हाँ तुम्हारे मामा जी का भी कब से फोन नहीं लग रहा था, अब जाके लगा है, इसलिए वो लग जाएगा जीजी का फोन। तुम परेशान मत हो, घर का ध्यान रखना बस। हमको भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। ठीक है अच्छा मामी जी हम फोन रखते हैं। हाँ नमस्ते। और अगर जीजी का फोन आया ना तो हमको पहले फोन कर देना या अम्मा जी को फोन कर देना, ठीक है? ठीक है। हमें तो लगता है कि कहीं कुछ गड़बड़ है, नहीं अब तक तो आ जाना चाहिए था। इसमें तो थोड़ा और काम करना पड़ेगा। आंटी देखो फोन करती हूँ। हाय बंटी दी, वो मुझे ना 5,000 की जरूरत है। क्या ना मुझे लहंगा बनाना है तो मटेरियल की जरूरत पड़ेगी मुझे। हाँ भाई सब लोग फोन पे लगे रहो, काम करने की क्या जरूरत है। मिस बंटी आप जाइए और अकाउंटिंग वीकली रिपोर्ट लेके आइए। जी नमिता मैं तुम्हें 2 मिनट में कॉल करती हूँ। हाँ तो रिया जी। जी सर। आप रेजिग्नेशन नहीं दे रही अपना? आप तो बड़ी बड़ी बातें करके गई थी, रेजिग्नेशन दे दूंगी। हाँ अभी समझ में आया ना कि बातें बनाना बड़ा आसान होता है। मैं कोई बात नहीं बना रही थी सर, आपको मेरा रेजिग्नेशन चाहिए ना, मैंने अपना रेजिग्नेशन टाइप करके रखा हूँ, ये रहा मेरा रेजिग्नेशन। पर ये रेजिग्नेशन मैं आपको नहीं दूंगी, ये रेजिग्नेशन मैं मैनेजमेंट को दूंगी और उन्हें ये बताऊंगी कि आप मुझे पर्सनल रीजंस की वजह से इस जॉब से निकाल रहे हैं जो कि हमारे रूल्स के खिलाफ है। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्हें ये भी बताऊंगी कि शादी से पहले सर के लिए तो मैं स्टार परफॉर्मर थी, लेकिन शादी के बाद ही उन्हें मेरी परफॉर्मेंस पर डाउट होने लगा। और क्यों डाउट हुआ? क्योंकि मैं आई थिंक 2 दिन 1 घंटा लेट थी। सर आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपको बता देती हूँ कि हमारे ऑफिशियल आवर्स 8 घंटे, लेकिन जिन 2 दिन मैं लेट आई हूँ ना, आई थिंक मैंने 1 या 2 घंटा ओवरटाइम भी किया जो कि आपने कभी कंसिडर ही नहीं किया। तो बताइए ना सर कब ये लेटर मैं मैनेजमेंट को दूँ? अरे रिया तुम तो बुरा मान गई, मेरे कहने का मतलब था कि तुम तो बड़ी एफिशिएंट एम्प्लॉय हो। रियली? हाँ तुम्हारे जैसी एम्प्लॉयज की तो हमें जरूरत रहती है। अरे तुम तो ऑफिस को बस अपना घर समझो। मैं तो कहना चाह रहा था कि ये रेजिग्नेशन वगैरह देने की जरूरत नहीं है। हाँ आर यू श्योर सर? हाँ हाँ तुम क्या समझ रही थी? थैंक यू सर। नम्रता हेलो बंटी दी, मुझे ना 5,000 की जरूरत है अर्जेंटली, फिर उसके बाद मेरा काम हो जाएगा। कट कर दिया। नहीं बंटी दी पैसों के मामले में बुरा तो नहीं मान गई? SMS कर दूं? तेरा फोन मैसेज आया शायद। किसका मैसेज है? अरे ये कुछ नहीं ऐसे। तू ये बता खड़ूस क्या बोल रहा था? कुछ नहीं। नमिता बंटी से पैसे उधार मांग रही है, बंटी जरूर कुछ छुपा रही है। स्टार
स्मार्ट प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।